नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया है और इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र की जो जगह चुनी है वो बेहद जरूरी है। इसके दो कारण हैं, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी नागपुर की दीक्षा भूमि पहुंचे जिसका उन्होंने दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने बुद्ध प्रतिमा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, इसके बाद कुछ देर यहाँ पर बिताया भी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। दोस्तों, राहुल गांधी का नागपुर दौरा दो तरीकों से महत्वपूर्ण है। पहला, नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है। दूसरी वजह यह है कि अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1996 को दीक्षा भूमि पर अपने हजारों लोगों के साथ मिलकर दलित धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिस वजह से आज राहुल गांधी नागपुर पहुंचे, दीक्षा भूमि पहुंचे, वहां पर उन्होंने बौद्ध प्रतिमा के दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने संविधान पर भी बात की, दलितों के मुद्दे पर भी बात की और साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर भी कई बयान दिए कि इस संविधान में जो इस देश में करोड़ों दलित हैं, जो उनका दर्द है, जो रोज उनको सहना पड़ता है, जो उनका दुख है, वो दुख, वो आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजनी चाहिए और वो काम अंबेडकर जी ने किया। राहुल गांधी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्टीट्यूशन बनते हैं। संविधान को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने ये कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता, क्योंकि राजा महाराजाओं के जमाने में इलेक्शन कमीशन जैसी चीजें नहीं होती थी। राहुल गांधी ने अंबेडकर को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर आप अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में ज्यादा पता चलेगा। क्या कुछ कहा आप भी सुन लीजिए। और जब आप अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो दिखता है कि ये व्यक्ति अपनी बात नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति दूसरों की बात कर रहा है और इस व्यक्ति के अंदर, जो हर नेता के अंदर लड़ाई होती है, नेता के अंदर क्या लड़ाई होती है, नेता के अंदर मुझ में है, सब में है, मैं क्या चाहता हूं और जनता क्या चाहती है, इसके बीच में टेंशन होती है। इसके बाद दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी बोला कि अंबेडकर के मुंह से कभी उनका अपना दुख नहीं निकला। अंबेडकर ने जो भी चीजें की, संविधान का जो निर्माण किया, वो दलितों को ध्यान में रखकर किया। संविधान जो अंबेडकर ने बनाया वो सिर्फ और सिर्फ दलितों के उत्थान के लिए, दलितों को जमीन से उठाकर बराबरी का हक दिलाने के लिए। हिंदुस्तान ने जब अंबेडकर जी से कहा कि अंबेडकर जी आप इस संविधान को बनाइए, कोऑर्डिनेट कीजिए, तो देश उनसे कह रहा था कि हम चाहते हैं कि इस संविधान में जो इस देश में करोड़ों दलित हैं, जो उनका दर्द है, जो रोज उनको सहना पड़ता है, जो उनका दुख है, वो दुख, वो आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजनी चाहिए और वो काम अंबेडकर जी ने किया। अब लोग कहते हैं कि अंबेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के एकदम बाद बनाया। राहुल गांधी ने संविधान में बुद्ध की आवाज का भी जिक्र किया, कहा कि किस तरीके से संविधान में बुद्ध की आवाज भी है। संविधान भले ही आजादी मिलने के बाद लागू हुआ हो, लेकिन उसमें बुद्ध की आवाज आपको जरूर सुनाई देगी। बुद्ध भगवान ने कहा, वही अशोक ने कहा, वही इन सब महापुरुषों ने कहा, वही अंबेडकर जी ने कहा, वही गांधी जी ने कहा। इसके बाद राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें की, जहां पर उन्होंने ये बोला कि संविधान सिर्फ जीने का तरीका नहीं सिखाता बल्कि मरने का तरीका भी सिखाता है। संविधान में समानता होनी चाहिए। संविधान हमसे ये कहता है कि हमारे आसपास देश, राज्य, भाषा समेत तमाम चीजों में समानता होनी चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी नागपुर पहुंचे हुए थे। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है। राहुल गांधी आरएसएस के हेडक्वार्टर में पहुंचकर आरएसएस को कई बड़ी बातें समझा कर आए हैं। आरएसएस के गढ़ में जाकर वो खूब जमकर बरसे हैं। बीजेपी और आरएसएस को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं, ये भी सुन लीजिए। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी बताया कि अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता। पब्लिक अस्पताल यहां से आते,
इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएगा। जाति जनगणना को लेकर भी राहुल गांधी ने बड़ी बात कही, जहां पर उन्होंने जातिगत जनगणना का असली मतलब बताया और साथ ही ये भी कहा कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी। जाति जनगणना का असली मतलब न्याय है, उससे अच्छा उसे शक्ति दो, उसके लिए रास्ते खोलो, उसको थोड़ा सा धन दिलवाओ, उसको थोड़ी पावर दो और फिर आपकी रिस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर वो अपने आप रिस्पेक्ट ले जाएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान के मुद्दे पर चुप है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने आरोप लगाया था कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के विरोधी हैं राहुल गांधी और संविधान की रक्षा का नाटक करते हैं। ये उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है, जहां पर राहुल गांधी ने खुद RSS के गढ़ पहुंचकर संविधान को लेकर बड़ी बातें कही, जाति जनगणना को लेकर बड़ी बातें कही। दोस्तों, एक तरफ झारखंड के चुनावों में जहां पर बीजेपी अहम मुद्दे छोड़कर रोटी बेटी जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रही है, लोगों को भड़का रही है, नफरती भाषण दे रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर काफी सीरियस हैं, वो झारखंड के चुनावों को लेकर भी काफी सीरियस हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावी आगाज को लेकर उन्होंने जिस तरीके से अहम मुद्दों पर बात की, वो भी सुनने वाली बातें हैं। उन्होंने इधर उधर के मुद्दे पर बात नहीं की, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से वो दूर है, वो नफरती भाषण से दूर है, वो उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन मुद्दों पर बात की जानी चाहिए चुनाव में, जो मुद्दे अहम होने चाहिए, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, संविधान। इसके अलावा भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं, बीजेपी इससे खौफ में है। बीजेपी को डर है कि जो जनता राहुल गांधी की बातों में आ गई तो उसके जो चुनावी जुमले हैं, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे हैं, वो अपना कमाल नहीं दिखा पाएंगे। फिलहाल राहुल गांधी के इस अंदाज पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।